अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मैजिकल किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और आज जैसे कि हमारे किचन में बन रहा है मिक्स वेजिटेबल के साथ कीमा, तो चलते हैं शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म किया था, फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन एक बड़ी साइज़ की प्याज सौते करने के लिए डाल दी है। ये सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं 3 से 4 अदर टमाटर जो बड़े साइज़ के हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से फ्राई करने से टमाटर बहुत अच्छी तरीके से गल भी जाते हैं और इसका जो स्किन होती है वो बहुत अच्छी रिमूव हो जाती है। देखें कितने अच्छे ये टमाटर हमारे प्याज के साथ फ्राई हो चुके हैं और इसकी जो स्किन है आप देख सकते हैं कि कितनी ईजीली इससे अलग हो गई है। ये इस तरीके से थोड़ा मेरा हाथ जल रहा है, लेकिन ये देखें बिल्कुल इसकी स्किन जो है ना इससे रिमूव हो गई है। अब ये टमाटर सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर कीमा इसी स्टेज पे ऐड कर दूँगी। अच्छा, कीमे का वेट जो है वो मैंने बहुत कम लिया है, 1 पाव के करीब है। और अब इस मसाले के साथ हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे, क्योंकि ये टिप मैं आपको टिप एंड ट्रिक इसके बीच में देती रहूँगी कि कीमे के अंदर पानी ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि कीमे के अंदर ना एक स्मेल होती है, तो अगर हम इसमें पानी ऐड करते हैं ना तो हमें हीक सी आती है। अगर हम इसको इसके साथ फ्राई करेंगे बगैर पानी ऐड किए, जो इसके तमाम जो जूसेस होते हैं और कीमे का जो अपना पानी होता है तो वो रिलीज़ होता है और फिर वो इसी के अंदर सारे जूसेस इसके अंदर ही ऐड हो जाते हैं। तो अब मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून जो है हल्दी डाली है और थोड़ा नमक डाला है टेस्ट के हिसाब से, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्ची डाली है। और अब जितनी हार्ड वेजिटेबल्स हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 1 अदर मैंने गाजर इसमें ऐड की है और 1/2 आलू, मतलब छोटा है तो 1 ऐड कर दें, और थोड़े से मैंने मटर, और इसके साथ मैंने ये जितनी भी हार्ड सब्जियां थी मैंने इसके साथ ही ऐड कर दी है। ये आप देख रहे हैं कि इसके साथ भुनती जाएंगी, मैंने इसमें कोई पानी इसमें ऐड नहीं किया है। ये अभी ये पालक है जो कि बॉयल हुआ हुआ है और मैंने ये इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब आप ये देखें, मैंने इसको दम पे रख दिया था, मैंने इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं डाला है। ये वेजिटेबल्स ने सब अपना पानी रिलीज़ किया है और कीमे ने अपना, देखें सॉफ्ट हो गए, आलू भी हो गए, सब्जियां भी सारी साइड सॉफ्ट हो गई हैं और हमारे टमाटर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। जो आपको थोड़ी बहुत रेड नज़र आ रही है गाजरें हैं। ये देखें कितनी मज़ेदार किस्म की, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मौसम बहुत खूबसूरत था तो मैंने ये रेसिपी ट्राई की। अब आप इसके साथ बेसन की रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, या आप इसको पूरी के साथ भी खा सकते हैं और सारी चपाती के साथ भी खा सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने बारीक काट के हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं ऊपर से, और इसको हम हरे धनिए से गार्निश करेंगे। इसको आज के मौसम के साथ इन्जॉय कीजिए और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी थी आपकी रेसिपी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।